Welcome to Arabic Countries. तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरा नाम मोहम्मद अलीम है और आप देख रहे हो माय लाइफ यात्रा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में, इस ब्लॉग में आपको बहुत सारी जानकारी शेयर करूंगा। दुबई में कैसे ट्रैवल करते हैं बस से, मेट्रो से, और क्या क्या मैं यहां घूमने आया था, क्या क्या मुझे क्या मुसीबत झेलनी पड़ी इस COVID-19 के माहौल में, इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या हाल है दुबई के, इसके बारे में बताऊँगा। और दुबई मॉल के अंदर का सीन अभी एंट्री हुई है और यहाँ पर अफगानी लोग देखिए आइसक्रीम बेच रहे हैं, कुछ कमाल दिखा रहे हैं अपने कस्टमर के साथ। और ये देखिए बहुत लोग वीडियो भी शूट कर रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इस COVID-19 के माहौल में बहुत मुश्किल हो गया था मेरे को, मैं अभी आगे दिखाऊँगा वीडियो में कि कैसे कैसे यहाँ पर क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर परफ्यूम बेचा जा रहा है रास्ते में, और बहुत सारे जॉब करने वाले लोग हैं यहाँ पे, परफ्यूम बेच रहे हैं, लोग रास्ते में जा रहे हैं। ये देखिए परफ्यूम चेक करा रहे हैं। और मेरे पीछे देखिए दोस्त लोग भी साथ में हैं, वो भी लोग हाय वाय कर रहे हैं। और ये है दुबई मॉल का मेन हॉल, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा है। ये मेन फर्स्ट जब आप मेट्रो से जाओगे तो पहला आपको यही दिखेगा, और काफ़ी अच्छा है दुबई मॉल क्योंकि ये दुनिया का नंबर वन मॉल है, काफ़ी बड़ा है और इसमें कम से कम 4-5 हज़ार शॉप्स हैं, दुकानें हैं, मतलब बहुत सारे कस्टमर, बहुत दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। और ले चलते हैं आपको एक्वेरियम, यहाँ पर बहुत सारी दुनिया की नंबर वन और बेहतरीन मछलियाँ, फिश हैं, देखने को मिलती हैं, जो बहुत बड़े एक गिलास के अंदर पैकेज बनाया हुआ है। जितना मुझे पता है बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत दुनिया भर के लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। और काफ़ी बड़ी बड़ी व्हेल्स, मतलब बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और मिलाते हैं अपने दोस्तों से। ये देखिए, ये हमारे सारे हमारे ग्रुप था, 12 लोग गए थे हम लोग, तो हमने सोचा एक पिक हो जाए। और ये देखिए, ये है यहाँ की मशीन, लोकेशन मशीन, आप कहाँ पर हो, काफ़ी बड़ा दुबई मॉल है तो आपको यहाँ पर एक मशीन दी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हो आप कहाँ पर खड़े हो और किधर जाना है, आपको बाहर निकलना है या कुछ शॉपिंग करनी है, कौन से शॉप में जाना है, मतलब बहुत सारी यहाँ पर जानकारी आपको मिल जाएगी। आपको मतलब कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप खड़े खड़े आप यहां पर पता लगा सकते हो। और यहां पर एक एरोप्लेन का ढांचा बनाया हुआ है, एरोप्लेन का सेम जो कि आप यहां पर एक अपना एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं, मतलब कैसे एरोप्लेन उड़ता है और कैसे, मतलब इसका कुछ चार्ज है, इमिरेट्स फ्लाइट है यहाँ पर, और कैसे मतलब क्या होता है, आप इसके अंदर बैठ के आप एरोप्लेन का मज़ा ले सकते हो यहाँ पर। गाइज, पिछली बार जब आया था 2018 में, तो ये जो स्क्रीन दिख रही ब्लैक, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट मतलब बिगेस्ट स्क्रीन है, मतलब और बहुत ही खतरनाक स्क्रीन है। अभी बंद कर रखा है, पता नहीं क्या रीज़न है इसका। और ले चलते हैं आपको वाटरफॉल, जो दुनिया का नंबर वन, बहुत बेहतरीन व्यू है, बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ पर, लोग
फ़ोटो खींचते हैं, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर वीडियो बनाते हैं, और रेस्टोरेंट्स भी ऐसे बना रखे हैं, मतलब आप इसके एकदम बाजू में आप बैठ के नाश्ता कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, मतलब बहुत सारा एक ऐसा इंतज़ाम बनाया हुआ है कि आपको देख करना बहुत ही अच्छा लगेगा। अपने कपल के साथ, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर ब्रेकफास्ट करिए, खाना खाइए। और ये देखिए यहाँ पर बहुत लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं, हियर्ट ऑफ बुर्ज खलीफा, दुबई का मतलब एक बुर्ज खलीफा का एक दिल बोल सकते हो, ज़्यादा तो नहीं पता लेकिन ऐसा ये इतना बड़ा दिल बनाया हुआ है यहाँ पर, आपको देख के बहुत ही मज़ा आएगा। हमने भी फ़ोटो खिंचाए, और यहाँ देखिए पाकिस्तान के लोग, इंडिया के लोग, बहुत सारे देश के लोग यहाँ पर घूमने आते हैं और इन्जॉय करते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं। और जो पीली पीली लाइन दिख रही है आपको, ये एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है ताकि मतलब COVID-19 के सोशल डिस्टेंस को फॉलो करें, ऐसा मतलब लिखा हुआ हर जगह। और सिक्योरिटी यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम कर रही है, मतलब किसी को रुकने नहीं दे रही है, आप देखते रहिए और चलते रहिए। और फ्राइडे का दिन था दोस्तों, तो यहाँ पर मतलब कपल्स के लिए केवल अलाउ था, और मैं भी कैसे एंट्री कर लिया, मतलब एंट्री नहीं थी लेकिन बुर्ज खलीफा का जो ये वाटर पूल दिख रहा है आपको, मतलब यहाँ पर एंट्री नहीं थी लेकिन मैंने कैसे भी एंट्री किया उसको आप लोग को दिखाने के लिए। दोस्तों ये रहा दुबई मॉल के अंदर का कुछ नज़ारा, आपको अच्छा लगा होगा। और अभी मैं निकल रहा हूँ बाहर आउट एरिया में, वहाँ का हाल आप देखो, आपके होश खड़े हो जाएंगे कि कैसा माहौल है। देखिए अभी मैं एग्जिट कर चुका हूँ दुबई मॉल से एग्जैक्टली, और यहाँ पर सिक्योरिटी वाले खड़े हुए हैं, बोल रहे हैं कि रुकना नहीं है आपको, आपको बुर्ज खलीफा के साइड में नहीं जाना है, केवल लड़की लोग और कपल्स लोग ही जा सकते हैं, बैचलर नहीं जा सकते हैं। ये देखिए लोग बोल रहे हैं कि जाओ जाओ, यहाँ पर रुकना सख्त मना है। तो अगर आप दुबई में हो या आने वाले हो तो प्लीज़ अभी बुर्ज खलीफा घूमने मत जाना। और ये देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं, काफ़ी महंगी लग्जरी गाड़ियाँ, देखिए क्या बात है भाई। दोस्तों दुबई घूमने मत आना, कोरोना काल में मत आइए, कोरोना काल में दुबई घूमने मत आइए, नहीं तो बुरा हाल होगा आपका। देख लो क्या हाल हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई भगा भगा के मार रहा है, पूरी पब्लिक हमारे पीछे आके जा रही है, जहाँ तक नजर उठाओ वहाँ तक पब्लिक है। अभी हम आ चुके हैं बस स्टॉप पे, ये दुबई मॉल मेट्रो स्टेशन और बस स्टॉप है। तो यहाँ का कुछ सीन ऐसा है, यहाँ पे सभी लोग, कोई अजमान से आया है, कोई उमल कुइन से आया है, कोई शारजा से आया है, तो यहाँ पे सिस्टम ऐसा है, जो बस का सिस्टम है, मेट्रो का सिस्टम है, दुबई से आप मतलब यूनियन मेट्रो स्टेशन है एक, देहरा दुबई है, वहाँ तक केवल मेट्रो जाती है, अजमान के लिए मेट्रो, उमल कुइन के लिए मेट्रो नहीं जाती। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो गई कि आप अजमान डायरेक्टली बस से या मेट्रो से नहीं जा सकते, आपको बदली करनी पड़ेगी, और मेट्रो में और बस में सफ़र करने के लिए आपको मेट्रो कार्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर कार्ड हम अभी निकाल के आपको दिखाएंगे, और 25 दिरहम का कार्ड बनता है यहाँ पर मेट्रो और बस में, आप केवल दुबई की मेट्रो में बस में यूज कर सकते हो, अजमान की बस अलग है, वहाँ पर ये कार्ड यूज नहीं कर सकते। और 25 दिरहम का ये कार्ड इसी मशीन से बन जाता है और रिचार्ज भी हो जाता है इसी मशीन से, 5 दिरहम, 10 दिरहम, 20 दिरहम, 400 दिरहम, मतलब बहुत ज़्यादा तक आप रिचार्ज कर सकते हो एक बार आपने कार्ड ले लिया तो।
तो ये सीन ऐसा है, दुबई मॉल और बुर्ज खलीफा एकदम पास में आपको दिख रहा है। और बसें खड़ी हुई हैं, अभी हम जा रहे हैं देहरा दुबई यूनियन मेट्रो स्टेशन, और वहाँ से हम बदली करेंगे अजमान के लिए, बस पकड़ेंगे। और यहाँ पर देखिए सभी लोग परेशान हैं कि बस हमारी कब जाएगी, कितने नंबर बस जाएगी, जानकारी ले रहे हैं, कोई फ़ोटो खींच रहा है, और शाम का टाइम भी हो चुका है। तो फाइनली हमने मेट्रो कार्ड या बस कार्ड बोल सकते हो ले लिया है, और बस के अंदर एंट्री हो चुकी है हमारी। और ये जो आप मशीन देख रहे थे अभी छोटी सी, इसमें कार्ड आपको केवल टच करना है। आप यहाँ पर कार्ड टच करोगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी। आप जहाँ पर उतरोगे, जहाँ पर उतरना है आपको, वहाँ पर फिर एक बार टच करना पड़ेगा आपको, आपके कार्ड से आपके बैलेंस कट जाएंगे। और यहाँ पर देखिए मेट्रो बस में एक स्क्रीन लगी हुई, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंडिया का एक लोगो भी दिख रहा है और हमारे हिंदुस्तान का झंडा भी दिख रहा है। तो जय हिंद जय भारत। तो गाइस अभी हम बस के अंदर बैठे हुए हैं, और आज का हालत जो हुआ ना, किसी के साथ ना हो, मोबाइल में दूसरे मोबाइल में बैटरी भी ख़त्म हो गई, और इतना थके यार, जल्दी बस नहीं मिल रही थी यहाँ पर। अजमान के लिए कोई भी बस नहीं होती दुबई से। तो मेरा जो एक्सपीरियंस आज का है ना, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोग को, बहुत फायदा देगा। जो लोग यहाँ नहीं आए हैं ना, उन लोग के लिए बहुत परेशानी होगी यार। जो लोग फर्स्ट टाइम आएंगे ना, कसम से पहले फुल जानकारी ले लेना भाई, अभी दुबई आना, बिकॉज यहाँ पे बहुत महंगाई है और एक्सपेंसिव, मतलब बहुत ज़्यादा। अगर टैक्सी में आप जाओगे कहीं ना, तो बहुत ज़्यादा किराया आता है। और बस में जाने के लिए आपके पास मेट्रो कार्ड होना चाहिए। बस और मेट्रो कार्ड एक ही है यहाँ पर, 25 पर नया मेट्रो कार्ड बना सकते हो। हर जगह मशीन रखी होंगी मेट्रो स्टेशन पर। ये अभी दुबई मॉल मेट्रो स्टेशन है, तो यहाँ पे मैंने अभी कार्ड मैंने रिचार्ज कर लिया, मेरा पुराना कार्ड है, और हमारे जो साथी हैं उनके 4-5 कार्ड हमने निकाले नए। तो 25 का आप कार्ड, इसे मैं वीडियो बनाया दिखाऊंगा मैं आपको, 25 का कार्ड आता है, उसमें 19 जरा मिलेंगे आपको। उसमें आप जैसे आप बस में एंट्री करोगे, चढ़ोगे, आप ये कार्ड टच करना है, एक मशीन लगी हुई है उसमें टच करना है, बाद में जब उतरोगे कहीं जहाँ भी उतरना है, उस टाइम आपको टच करना है, आपके बैलेंस उस टाइम आपके कटेंगे। और मेट्रो कार्ड न्यू कार्ड लेते समय दोस्तों, उसमें कभी कभी प्रॉब्लम भी हो जाती है मशीन में, तो आप ऐसा करें थोड़ा स्मार्ट बने, थोड़ा जानकारी लेके आए। उसमें मेरे 15 दिन चले गए, मैं न्यू कार्ड एक निकाल रहा था उस टाइम, और जब मैं नोट अंदर इंसर्ट कर रहा था, तो नोट 15 दिन मैंने डाले, फिर बाद में 10 दिन डाल रहा था तो इंसर्ट नहीं हुए, पता नहीं क्या हुआ। और वो मेरे 15 दिन जो अंदर गए थे ना, वो वापस नहीं आए, फिर दूसरा नया कार्ड लेना पड़ा मुझे। तो मेरा 15 दिन का चूना लग गया समझो।